दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज है लॉकडाउन का पहला दिन और आप सोच रहे हैं लॉकडाउन का पहला दिन है और वीडियो की शुरुआत ही बार घूमते पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों घूमते भी नहीं कर रहा, पास की दुकान से कुछ सामान लेने जाना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो देख के आते हैं, मुझे मालूम ही नहीं दुकान खुली भी होगी नहीं खुलेगी, पर जाके देखते हैं क्या माहौल है लॉकडाउन के पहले दिन और क्या सिचुएशन चल रही है पूरे लॉकडाउन में फर्स्ट डे पे। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों चलो, अच्छी बात दुकान तो खुली थी, तो मगर दुकान वकान और जो भी सोशल एक्टिविटी थी वो लॉकडाउन में ऐसे चलेंगे जैसे चल रही थी। मैंने ये देखिए सामान लिया है। मैं आपने जैसा कि देखा कि मैंने सुबह व्लॉग बनाया था कि दुकान वकान में जा रहा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं, अभी रात के बस सॉरी रात के शाम के 7 बजे और मैं अब वापस व्लॉग बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं पूरे दिन इसलिए व्लॉग नहीं कर पाया और आज किसी के कॉल और इसलिए नहीं दिखा पाया कि आज थोड़ी बहुत ही सीरियस हालत थी कुछ ज़्यादा ही। एक्चुअली पहले तो आज मैं सुबह उठते मेरा दिमाग ख़राब हो गया, पहले मैंने व्लॉग बनाया उसके बाद मैंने चीज़ें देखी तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ। सौरभ जोशी को उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया दोस्तों, मैंने सुबह सुबह स्टोरी देखी सब देखा तो पूरा मेरा दिमाग लिया कि ये कैसे क्या हो गया। पहले मैं 8 बजे उनका व्लॉग का इंतजार कर रहा था, देखा 8 बजे उनका व्लॉग ही नहीं आया, बंदा कुछ तो गड़बड़ है। फिर उनके जो कज़न नवीन जी वो मेरे ऐड थे इंस्टा पे, तो मैंने उनके जाके मैंने उनको एक बार पूछूँ तो मैंने देखा उनकी पहले से स्टोरी लगी हुई थी कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल। फिर मैं सौरभ जोशी की वहाँ पर गया था तो उन्होंने लगा रखा था कि उनके हाथ में ड्रिप चढ़ रही है और उनके किए थे वो किए थे, और फिर उन्होंने एकदम से सौरभ जोशी की वीडियो आई कि उनके फादर की ऑक्सीजन चढ़ा है, कोविड हो गया था, तो उन्होंने कहा थोड़े दिन तक व्लॉग नहीं आएंगे। दोस्तों ऐसी सिचुएशन हो गई थी इसलिए थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया। और एक्चुअली मेरी तरह सिचुएशन ऐसी ख़राब हुई दोस्तों कि आज बहुत लोग कॉल आ रहे थे और जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर पहले से अवेलेबल है उनको तो हम ऑक्सीजन अवेलेबल करवा पा रहे, उनको रिफिल करवा पा रहे, रात के 2 बजे भी चाहिए हो रिफिल हो जाएंगे, पर जिनके ऑक्सीजन सिलेंडर है ही नहीं उनको इस टाइम पर ऑक्सीजन मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की सिक्योरिटी बहुत बहुत महंगी लग रही है। एक मैन का कॉल आया था, उनकी मदर की तबीयत पूरे दोनों किडनी फेल हो चुकी थी और उन्होंने तो पूरी होप ही खो दी, कहा कि अब मेरी माँ नहीं बच पाएंगी, पर हमने उनको हिम्मत दी, RSS से बात की, मिस्टर बहुत लोगों से बात की, तब उनको ऑक्सीजन ऑक्सीजन उनका पूरा सब कुछ मिल रहा है। अब देखते हैं, होप उनकी मदर ठीक हो जाए। और सौरभ जोशी जो है मैं उनकी आशा करूँगा कि सौरभ जोशी उनकी पूरी फैमिली, उनके फादर को तो ऑक्सीजन भी चढ़ रही थी दोस्तों थोड़े टाइम पहले तक, उनने खुद बताया, तो उनकी पूरी फैमिली भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए ये दुआ करूँगा दोस्तों। दोस्तों मेरे पास एक ऐसा केस भी सुनने में आया कि एक फैमिली दिल्ली से आई हुई थी जिनकी कहते हैं एक मैम की अब डिलीवरी होने वाली थी तो वो यहीं पर फंसे हुए हैं, उनके 40 डेज़ का बेबी है और वो सिर्फ अकेले ही नेगेटिव है, बाकी उनके घर में 8 के 8 जने पॉजिटिव हो चुके हैं, उनकी मदर को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और वो आज मैंने उनसे बात की तो वो रो भी रही थी मेरे सामने, उनके मतलब उनकी पूरे ऐसा हो रहा था कि उनके रोन जैसी हो रही थी, उनके पास मतलब अच्छी कंडीशन उनकी फाइनेंशियल पर ऑक्सीजन को मिल ही नहीं पा रहा दोस्तों, और वो खुद भी बहुत टेंशन है। 40 डेज़ का ये भी आप सोच सकते हैं कि एक पॉजिटिव के साथ 40 दिन का बच्चा कितनी बड़े होता दोस्तों। देखिए सौरभ जोशी जैसी को जो एक हफ्ते से पूरी प्रिकॉशन ले रहे थे वो बाहर निकलता उनको कोरोना हो गया, तो आप क्या चीज़ है, मैं क्या चीज़ हूँ और दूसरे लोग क्या चीज़ है, कोरोना किसी को हो सकता है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके बाहर निकलने का ट्राई कीजिए कि आप बाहर ना निकले, बिल्कुल ना निकले। और जैसे कि मैं सिचुएशन देख रहा हूँ मेरे आँखों के सामने लोग मर रहे हैं, जिनका कॉल आ रहा है, फिर थोड़ी देर में कॉल आ रहा है कि सर डेथ हो गई, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ तो समझ में नहीं आ रहा, और ऑक्सीजन सिलेंडर तो खाली मिल ही नहीं पाए दोस्तों इस टाइम पे, ऐसी सिचुएशन चल रही है। उन एक मैन तो होप ही हुई थी उनकी, मतलब देखिए उनकी आँखों के सामने उनकी मदर की डेथ हो रही है और कुछ कर नहीं पा रही हैं, ऐसे ऐसे केस थे, तो कुछ लोग हेल्प कर पाए, कुछ लोग स्वर्ग चले गए, कुछ लोग नहीं बच पाए दोस्तों, पर जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं। आपसे एक ही दुआ है, भगवान से एक ही दुआ और आपसे एक ही दुआ करूँगा मैं कि आप प्लीज़ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कम से कम बाहर निकलिए, सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रही है। तो दोस्तों बस इस व्लॉग में इतना बोलना चाहता हूँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आज के व्लॉग में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जोशी जी अगर आप व्लॉग देख रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, और कोई कोई भी व्लॉग देख रहा है अगर जो बीमार जल्दी ठीक हो जाइए, कोई हेल्प चाहिए मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं पूरी ट्राई करूँगा करने की। बस आज के व्लॉग में इतना ही, जय हिंद, गुड बाय, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय दोस्तों।